नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आज बॉलीवुड में सुपरहिट एक्टर में शुमार हो चुकी हैं। दीपिका पादुकोण के नाम कई सुपरहिट फिल्में हैं। दीपिका पादुकोण एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके नाम पर फिल्में चलती हैं। उनके खाते में जबरदस्त हिट फिल्में रही हैं, जैसे बाजीराव मस्तानी, रामलीला, पद्मावत, जो दीपिका के लिए माइलस्टोन रही। ये दीपिका के करियर की बेहतरीन फिल्में साबित हुई। दीपिका पादुकोण डे बाय डे सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही दीपिका ने यहां तक पहुंचने के दौरान कई फिल्मों को ठुकराया भी है। कई बार उनकी चॉइस काफी सटीक साबित हुई है, जबकि कई बार सुपरहिट फिल्में उनके हाथों से चली गई हैं। ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि दीपिका के ठुकराए ज्यादातर फिल्मों में उनके को स्टार सलमान रहे हैं। कभी सलमान के साथ काम करने वाली दिलचस्पी दिखाने वाली दीपिका ने सलमान के साथ 4 फिल्में रिजेक्ट कर दी थी। आइए आपको बताते हैं अब तक कितनी फिल्मों को उन्होंने कहा बाय। शुद्धि, दीपिका पादुकोण के पास संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी और करण जौहर की ड्रीम प्रोजेक्ट शुद्धि का प्रस्ताव आया था, जिसमें से दीपिका ने भंसाली का हाथ थामा और शुद्धि को किया बाय। आपको बता दें कि ये फिल्म का निर्माण करण जौहर कर रहे थे, जबकि सलमान खान शुद्धि में लीड रोल में थे। हालांकि एक और जहां बाजीराव मस्तानी फ्लोर पर आने को तैयार थी, वहीं शुद्धि अटकी पड़ी थी। लिहाजा दीपिका का ये निर्णय सही साबित हुआ और बाजीराव मस्तानी में सुपरहिट हो गई दीपिका पादुकोण। सुल्तान को भी किया बाय। दीपिका पादुकोण ने एक बार सलमान के साथ काम करने की इच्छा जताई थी, लेकिन जब उनके पास सुल्तान का ऑफर आया तो दीपिका ने साफ मना कर दिया। आपको बता दें कि फिल्म सुल्तान में सलमान खान लीड रोल में थे। जब तक है जान, यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म जब तक है जान में कटरीना की जगह दीपिका निर्देशक की पहली पसंद थी। वहीं इस फिल्म में लीड रोल में थे शाहरुख खान, लेकिन यश चोपड़ा और शाहरुख के नाम जुड़े होने के बावजूद बहादुर दीपिका ने इस फिल्म को भी ना कर दिया और ये फिल्म यकीनन बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। यानी कि ये दीपिका का फैसला सही रहा। फिल्म हॉलीवुड की हुई तो क्या हुआ, दीपिका को ये सब नहीं लुभा सकता। जब दीपिका संजय लीला भंसाली की रामलीला में बिजी थी तो उनके पास हॉलीवुड फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस 7 का ऑफर आया था, लेकिन दीपिका ने उस ऑफर को ठुकराने में मिनट भी नहीं लगाई। रिजल्ट आप सबके सामने है, रामलीला हुई सुपरहिट और दीपिका बेस्ट एक्ट्रेस साबित हुई। साल 2013 में आई आमिर खान की सुपरहिट फिल्म धूम 3 के लिए पहली चॉइस कैटरीना नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण थी, लेकिन दीपिका ने इस रोल को भी ठुकरा दिया था। हालांकि यहां भी दीपिका का निर्णय सही साबित हुआ, क्योंकि धूम 3 में सिर्फ आमिर और आमिर ही नजर आए, जबकि कैट सिर्फ बैकग्राउंड सी लगी। रणबीर के साथ भी इन्होंने किया मना। रणबीर कपूर और दीपिका की केमिस्ट्री वैसे तो काफी अच्छी रही है, इन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन रणबीर की फिल्म रॉय के लिए दीपिका को ना करना पड़ा। फिल्म रॉय में दीपिका की जगह जैकलीन को फाइनल किया गया। फिल्म रॉय बुरी तरह से पिटी, यानी कि दीपिका पादुकोण ने ये निर्णय सही लिया था। किक को भी किया मना। 2014 में आई सलमान खान की फिल्म किक ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया था। सलमान और जैकलीन की जोड़ी भी काफी चर्चाओं में आ गई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के जैकलीन नहीं बल्कि दीपिका पहली पसंद थी, लेकिन दीपिका इस वक्त हैप्पी न्यू ईयर में बिजी थी, लिहाजा उन्होंने ये फिल्म मना कर दिया। इसके अलावा सूरज बड़जात्या की भी फिल्म को दीपिका पादुकोण ने मना कर दिया था, जिसमें सलमान खान लीड रोल में थे। तो इस तरह दीपिका ने सलमान खान के साथ 4 फिल्मों को ना किया। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्में छोड़ी अपने इस पूरे करियर के दौरान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।